हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो टुडेज वीडियो इज अबाउट अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग इन एमएल। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मशीन लर्निंग मॉडल, वी एक्चुअली टॉक अबाउट हाउ वेल इट इज परफॉर्म्स एंड इट्स एक्यूरेसी, व्हिच इज नोन एज अ प्रेडिक्शन एरर ऑल्सो। उसी के आधार पे अपन प्रेडिक्शन एरर को भी डिफाइन करते हैं, प्रेडिक्शन एरर्स। ओके, लेट अस कंसीडर दैट वी आर डूइंग अ मशीन लर्निंग मॉडल। अ मॉडल इज सेट टू बी अ गुड मशीन लर्निंग मॉडल इफ इट जनरलाइजेस एनी न्यू इनपुट डेटा फ्रॉम द प्रॉब्लम डोमेन इन अ प्रॉपर वे। वो जनरलाइज कर जाए, ठीक है। दिस हेल्प अस टू मेक प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर डेटा। जो फ्यूचर डेटा है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए वो हमें मदद करता है। दैट द डेटा मॉडल हैव नेवर सीन। नाउ सपोज वी वांट टू चेक हाउ वेल आवर मशीन लर्निंग मॉडल लर्न्स एंड जनरलाइजेस टू द न्यू डेटा। फॉर दैट वी हैव ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग व्हिच आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। So let's learn before that what is bias and variance. We have two terminologies called bias and variance. Okay. Bias is an assumptions made by a model to make function easier to learn. ये एक हम assumption बनाते हैं जो कि बनाया जाता है आपका model के द्वारा, जिससे कि वो आसानी से सीख सकता है। It is actually the error rate of the training data. Training data में जो एरर रेट है वो उसको सिग्निफाई करता है। व्हेन द एरर रेट हैज अ हाई वैल्यू, अगर इसकी एरर रेट की जब हाई वैल्यू है, वी कॉल इट हाईली बायस। द डेटा इज हाईली बायस। एंड व्हेन द एरर रेट हैज लो वैल्यू, सो हम कहते हैं लो बायस है, ठीक है। अब अगला जो अपने पास में है वो है वेरियंस। वेरियंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एरर रेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा। जो एरर रेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा है, ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा के बिटवीन जो भी एरर रेट है, ये इसको अपन वेरिएंस बोलते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक प्रेडिक्ट तो यहाँ कर रहा है और असल में होना वो यहाँ चाहिए, तो इन दोनों के बिटवीन कितना डिफरेंस है। इफ द डिफरेंस इज हाई देन इट इज कॉल्ड हाईली वेरियंस। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा ही हाई है तो हम कहते हैं भाईली भाई साहब हाईली वेरियंस है, ठीक है। और अगर डिफरेंस इसका कम है तो इसको कहते हैं अपन, ठीक है। सो ये हो गया हाईली वेरियंस और लो वेरियंस का। सो यूजुअली वी वांट टू मेक अ लो वेरियंस फॉर जनरलाइज्ड आवर मॉडल। लेट मी शो यू एन इमेज। सो देयर यू कैन सी here this picture, you can see that here it is the picture. So here you can see this is highly biased, this is underfit. Okay, so in this data this is highly biased and this is underfit, and this is also highly biased, this is also underfit, and this is highly variance, this is overfit. सो दिस इज ओवर फिट। बेसिकली ये एक ओवर फिट है, इसको हम कहते हैं हाई वेरियंस। यहाँ पर वेरियंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए इसको कह रहे हैं अपन ओवर फिट, ठीक है। सो ये हमारे पास में तीन हो गया। सो अंडर फिट इज अ मशीन लर्निंग, इन मशीन लर्निंग, अंडर फिट इन मशीन लर्निंग। A statistical model or machine learning algorithm is said to be have underfit when it cannot capture underlying trend of the data. That is, it only performs well on training data but performs poorly on testing data. जब हम testing data की बात करते तो वो बहुत poorly perform करता है, ठीक है। Testing data के अंदर तो बहुत पास पास में है, लेकिन जैसे ही हम सॉरी ट्रेनिंग डेटा के अंदर तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन जैसे हम टेस्टिंग की बात आती है वो बहुत पुअरली बिहेव करता है। इट जस्ट लाइक ट्राइंग टू फिट अंडर साइज्ड पेंड। मतलब मान लो
कि ये एक पैंट है और ये हमें इतने मोटे आदमी को पहनानी है, सो इसके कमर में आएगी नहीं। सो अंडर फिट्स डिस्ट्रॉय द एक्यूरेसी ऑफ आवर मशीन लर्निंग मॉडल। इट्स अक्रेंस सिंपली मीन्स दैट आवर मॉडल और एल्गोरिदम डज नॉट फिट द डेटा वेल इनफ। इट यूजली हैपन्स वेन वी हैव लेस डेटा टू बिल्ड एन एक्यूरेट मॉडल एंड ऑल्सो वेन वी ट्राई टू बिल्ड अ लीनियर मॉडल विथ फ्यूअर नॉन लीनियर डेटा। इन सच केसेस द रूल्स ऑफ द मशीन लर्निंग मॉडल्स आर टू इजी एंड फ्लेक्सिबल टू अप्लाई टू सच मिनिमल डेटा एंड देयर फोर द मॉडल विल प्रोबेबली मेक अ लॉट ऑफ रॉन्ग प्रिडिक्शन विल मेक रॉन्ग प्रिडिक्शन। ठीक है, अंडर फिटिंग कैन बी अवॉइडेड बाई यूजिंग मोर डेटा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा यूज करना चाहिए उसके लिए एंड ऑल्सो बाई रिड्यूसिंग द फीचर्स बाई फीचर सिलेक्शन मेथड। इन अ नट सेल अंडर फिटिंग रेफर टू अ मॉडल दैट कैन नाइदर परफॉर्म्स वेल ऑन द ट्रेनिंग डेटा नॉट जनरलाइज टू न्यू डेटा। जो इसके रीजन्स हैं वो मैं बता देता हूँ। पहला जो रीज़न है वो हाईली बायस है, ठीक है, एंड लो वेरिएंस है। दूसरा जो है, साइज ऑफ द ट्रेनिंग डेटा यूज इज नॉट इनफ। सो नॉट इनफ हमारे पास में डेटा है, ठीक है। फिर मॉडल इज टू सिंपल, इसका जो मॉडल है वो काफी सिंपल है, टू सिंपल। और ट्रेनिंग डेटा इज नॉट क्लीन्ड एंड ऑल्सो कंटेन नॉइस इन इट। सो ये उसके कारण हो गए। टेक्निक टू रिड्यूस ओवर फिटिंग, सो इंक्रीज मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़े सा इंक्रीज करो, नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ाओ, परफॉर्मिंग फीचर इंजीनियरिंग, रिमूव करो जो नॉइस पार्ट है डेटा का और इंक्रीज करो नंबर ऑफ इपॉक्स और इंक्रीज करो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग टू गेट बेटर रिजल्ट्स। इपॉक्स को बेसिकली इंक्रीज करो। अब इसी तरीके से आपका ओवर फिटिंग है आपके पास में, ओवर फिटिंग। सो स्टैटिस्टिकल मॉडल है अगेन, व्हेन द मॉडल डज नॉट मेक एक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑन टेस्टिंग डेटा। टेस्टिंग डेटा के ऊपर जब एक्यूरेट एक्यूरेट प्रिडिक्शन ना आए, ठीक है। व्हेन अ मॉडल गेट ट्रेन्ड विद सो मच डेटा, इट स्टार्ट्स लर्निंग फ्रॉम द नॉइस एंड इनएक्यूरेट डेटा एंट्रीज इन आवर डेटा सेट। एंड व्हेन टेस्टिंग विद न्यू डेटा रिजल्ट्स इन हाई वेरिएंस, अगर हाई वेरिएंस के अंदर जब हम टेस्टिंग करेंगे देन द मॉडल डज नॉट कैटेगराइज द डेटा करेक्टली बिकॉज ऑफ टू मैनी डिटेल्स एंड नॉइस। द कॉज ऑफ ओवर फिटिंग आर द नॉन पैरामेट्रिक एंड नॉन लीनियर मैथड्स बिकॉज दिस टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैव मोर फ्रीडम इन बिल्डिंग द मॉडल बेस्ड ऑन द डेटा सेट एंड देयर फोर दे कैन रियली बिल्ड अनरियलिस्टिक मॉडल्स। अ रियल अ सॉल्यूशन टू अवॉइड ओवर फिटिंग इज यूजिंग अ लीनियर एल्गोरिदम। इफ वी हैव लीनियर डेटा और लीनियर यूजिंग द पैरामीटर लाइक मिनिमल मैक्सिमल डेप्थ, हम मैक्सिमल जो डेप्थ है उन पैरामीटर्स को यूज करें इफ वी आर यूजिंग डिसीजन ट्रीज, अगर हम डिसीजन ट्रीज को यूज करें। अगर हम ओवर फिटिंग की बात करें तो ये प्रॉब्लम है वेयर द इवेल्यूएशन ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और ट्रेनिंग डेटा इज डिफरेंट फ्रॉम अनसीन डेटा। तो इसके जो रीज़न है वो रीज़न है अपने पास में हाईली वेरिएंस की वजह से, हाई वेरिएंस। एंड लो बायस, ठीक है। दूसरा, मॉडल आपका ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया भाई, ठीक है। और तीसरा, साइज ऑफ ट्रेनिंग की जो ट्रेनिंग डेटा की जो साइज है वो ज़्यादा ही है, ठीक है। सो मॉडरेट होना चाहिए यार, कोई भी चीज़ का एक्सेस पार्ट हो अच्छा नहीं होता। टेक्निक टू रिड्यूस ओवर फिटिंग, इंक्रीज करो ट्रेनिंग डेटा को, रिड्यूस करो उसकी मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी को, अर्ली स्टॉपिंग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज, हैव एन आई ओवर द लॉस ओवर द ट्रेनिंग पीरियड, एज सुन एज लॉस बिगिंस टू इंक्रीज स्टॉप ट्रेनिंग, ठीक है। रिज रेगुलराइजेशन लासो
लेटरलाइजेशन से हम ये इसको दूर कर सकते हैं। यूज करो ड्रॉप आउट फ्रॉम न्यूरल नेटवर्क टू टैकल ओवरफिटिंग। सो मैं आपको एक इमेज से दिखाना चाहूंगा कैसे करते हैं। ये एक इमेज है। सो ये आपका अंडर फिटिंग है। टू सिंपल टू एक्सप्लेन वेरियंस। ये अप्रोक्सीमेट फिटिंग कर दिया। और ये तो भाई साहब ओवर फिटिंग है। ये क्या है यार, यहाँ से यहाँ आप कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है यार, दो इधर जाने जाने दो, ठीक है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट फिटिंग है, ठीक है, अप्रोप्रिएट फिटिंग है इसके लिए। तो ये अंडर फिटिंग हो गया, जिसके अंदर देखिए यहाँ पर ज़्यादा ही डेटा इधर है, और ये ओवर फिटिंग हो गया। इसका फोर्स फिटिंग टू गुड टू बी ट्रू, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू। सो यही है, गुड फिट इन अ स्टैटिस्टिकल मॉडल आइडियली द केस व्हेन द मॉडल मेक्स द प्रेडिक्शन विद जीरो एरर्स इज सेड टू हैव अ गुड फिट ऑन द डेटा। दिस सिचुएशन इज अचीवेबल एट द स्पॉट बिटवीन ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग दैट आई शोड यू इन दिस पिक्चर। सो हियर यू कैन सी दैट। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट वी विल हैव टू लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ आवर मॉडल विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाइल इट इज लर्निंग फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा सेट। विद द पैसेज ऑफ टाइम आवर मॉडल विल कीप ऑन लर्निंग एंड दस द एरर फॉर द मॉडल ऑन द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। इफ इट विल लर्न फॉर टू लॉन्ग द मॉडल विल बिकम मोर प्रोन ऑफ ओवर फिटिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉइस एंड लेस यूजफुल डिटेल्स। अगर आप पिछली वीडियो के अंदर देखेंगे ना, तो जब मैंने बार बार उसको इटरेशन रन करवाया था ना, तो एक हॉरिजॉन्टल एस्मेटोट हो गया था। अगर आपने देखा हो तो रिवॉर्ड वाला, रिवॉर्ड और उसके नंबर ऑफ इटरेशंस में हमने देखा था, वो हॉरिजॉन्टल एस्मेटोट हो गया था, वो ओवर फिटिंग के कारण ही था। इन ऑर्डर टू गेट अ गुड फिट वी विल स्टॉप एट पॉइंट जस्ट बिफोर वेयर द एरर स्टार्ट इंक्रीजिंग। एट दिस पॉइंट द मॉडल इज सेट टू हैव अ गुड स्किल्स इन ट्रेनिंग डेटा सेट एज वेल एज आवर अनसीन ट्रेनिंग डेटा सेट। इसको एक एग्जाम्पल से ये समझ लो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको कम पढ़ाया तब आप अंडर फिटिंग हो, आपको मतलब थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया उसमें आप अप्रोप्रिएट फिटिंग हो, लेकिन ज़्यादा ही पढ़ा दिया, ओवरवेलमिंग कर दिया, तो आप ओवर फिटिंग करने लग जाओगे ऐसा। तो इसीलिए मैं पढ़ाना रोक देता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।